नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। अनुमंडल पुलिस ने माहिरे स्टूडेंट के संचालक रोशन साहू के हत्यारों को हथियार के साथ पकड़ने में कामयाब हुई। पत्रातु बासल थाना अंतर्गत रसादा गांव के समीप माही रेस्टोरेंट के संचालक रोशन साहू उर्फ राजेंद्र साहू की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसको लेकर बासल थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस SDPO वीरेंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में SIT टीम का गठन कर हत्यारों को पकड़ने के लिए सघन छापामारी अभियान चलाया, जिसके परिणाम में हत्या में शामिल तीन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। इसकी जानकारी देते हुए रामगढ़ SP पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। SP पीयूष पांडे ने बताया कि हत्या में शामिल तीन अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उनके पास 2 9 mm पिस्टल और 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की धर पकड़ को लेकर छापामारी चल रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेल में बंद भरत पांडे नामक अपराधी इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड है और उनके इशारे पर अपराधियों ने हत्या जैसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक रोशन साहू, जो पूर्व में जमीन का कारोबार कर रहा था, इसके अलावे बालू और रॉ मटेरियल्स का कारोबार कर रहा था। पैसे के लेन देन को लेकर इनमें आपसी विवाद था, जिसको लेकर अपराधियों ने रोशन साहू की हत्या की। रिपोर्ट राहुल सिंह, रघुनंदन प्रसाद। दिनांक 6 अगस्त को बासल थाना अंतर्गत माही होटल और रेस्टोरेंट के जो मालिक थे राजेंद्र साहू और रोशन साहू, उनकी कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस विषय में बासल में हत्या का एक कांड दर्ज किया गया था और कांड की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO पत्रातु कर रहे थे और उसके मेंबर्स सभी थानाओं के, पत्रातु अनुमंडल के सभी थानाओं के प्रभारी थे। इसमें कांड में लगातार सघन छापामारी की गई। गहन अनुसंधान के बाद इसमें तीन संलिप्त अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उन तीन अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकारा है। उन्होंने ये बताया कि जेल में भरत पांडे, जो पिछले साल अमित बख्शी के मर्डर में जो अंदर है, उसके वो इस घटना का मास्टरमाइंड है और इन तीन अपराध कर्मियों ने भरत पांडे के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची और राजेंद्र साहू की हत्या कर दी। इसमें अन्य अपराध कर्मी भी संलिप्त हैं, जिनकी घटना में संभाव्यता थी, उनको भी अभी पकड़ने के लिए लगातार छापामारी जारी है। जो इस हत्या का मोटिव है, इसके कई मोटिव हैं। पूर्व से भी कुछ जमीन की लेन देन, जमीन में जो पैसे की लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसके अलावा जो मृतक हैं वो कुछ नए काम भी पाए थे, जैसे बालू का काम या मटेरियल सप्लाई का काम। फिर कथित रूप से उनकी नज़दीकी कई विवादित लोगों से भी रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके भरत पांडे और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनको मिलकर उन लोगों ने इन कारणों से उसके हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें मूलतः सर क्या कारण है, जमीन विवाद या फिर नहीं? ये सारे ही कारण है, क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी वो एक दिन में नहीं है, पुराने टाइम से जमीन का भी कारण चल रहा था। जो कुछ एक कथित आपराधिक गिरोह के सदस्यों के द्वारा के साथ जो मृतक की कुछ नज़दीकी जो पाई गई थी, वो भी एक कारण था। और फिर ट्रिटरिंग रीजन में जो ये बालू और मटेरियल सप्लाई का काम कर रहा था, उसको भी लेकर कुछ कुछ विवाद इन लोगों के बीच में हो रहे थे। तो धमकी भी मिली थी क्या सर पहले से? धमकी मिलने की आधिकारिक सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई थी, थाने को या पुलिस को। और क्या सर अभी बरामद हुआ इन लोगों को? हम लोग को 2 वेपन इसमें बरामद हुए हैं, एक देसी पिस्टल 7.65 mm की और 9 mm की देसी पिस्टल। और इसमें 9 mm की देसी पिस्टल से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसको बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयोग जो बाइक है उसके लिए छापामारी और जो अन्य अपराध कर्मियों हैं उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। सर ये जो अपराध कर्मी है सर, क्या यही लोग किए हैं, शूट आउट यही लोग किए हैं? हाँ, शूट आउट यही किए हैं। इसमें ये भी चीज सामने आई है कि श्रीवास्तव गैंग के लोगों के साथ इनका कॉन्टैक्ट है और जो अन्य अपराध कर्मी है वो भी श्रीवास्तव गैंग से इनडायरेक्टली लिंक्ड है। जो वीडियो सर, लोकल विधायक लगातार